हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं बना रही हूँ आज पास्ता। और अब जब तक हम पास्ता बनाते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले आ जाए। तो गाइज, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, मैं पास्ता बना रही हूँ। जो घर पे सामान पड़े थे ना, मैं उसी से बनाने लगी, क्योंकि बच्चों को खाने का मन हो रहा था और सामान थोड़ा कम था। शिमला मिर्च लाने के लिए बोले थे, नहीं था, लेकिन जो सामान था मैं उसी में बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा ही भूख लग रही है। और फटाफट बनाने के लिए या तो मैगी या फिर नूडल हो कुछ भी, मैं ही पास्ता बना दो, तो फिर इसलिए पास्ता बनाने लगे। तो देखिए, यही सामान है और मैं इसी में पास्ता बना रही हूँ। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये देखिए सब साथ में, हल्दी, नमक, ये सब मिक्स कर रही हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा पास्ता में कलरफुल हो जाए और टेस्ट भी हो जाए। मेरा पास्ता थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, तब हम लोग गर्मा गर्म सब करेंगे। लेकिन आप याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा चैनल आपको कैसा लगता है वो कमेंट में बताइए। मेरा वीडियो ले जाओ, मैं मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करो, ताकि मैं और कोशिश करूँ अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। देखिए, मैं पास्ता बना रही हूँ। तो गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हो। नए ब्लॉगर के साथ आप लोग ऐसे करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, प्लीज़। जब तक मेरा पास्ता रेडी होता है, आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और देखिए, थोड़ा सा ना ये सोया सॉस डाल देते, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ नूडल खा रहे हैं। और साथ में एक केचप, टमाटो सॉस, तो ये थोड़ा सा चटपटा लगता है। और सूखा ही बनाएंगे, ग्रेवी वाला नहीं। तो देखिए कितना सारा बना रही हूँ मैं कढ़ाई में भर कर, क्योंकि यही खाकर थोड़ा सा पेट फुल करना है। तो चार जने के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा है, फिर भी अच्छा है। तो मेरा पास्ता बस अब रेडी होने वाला है। ये धनिया पत्ता मैंने डाल दी हूँ, और इसको थोड़ा देर पका कर अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तब मैं फिर सर्व करूँगी। देखिए, मेरा पास्ता रेडी है और खाने के लिए चालू हो गए हम लोग।